फिर से आप सबका स्वागत है करियर काउच में शुभांकर पर। दोस्तों 1997 में एक पिक्चर आती है, टॉमी ली जोन्स और विल स्मिथ, मैन इन ब्लैक। अचानक आप देखते हैं कि पृथ्वी को बचाने के लिए काले कपड़े में दो लोग किस तरीके से जूझ पड़ते हैं। पूरी टीम होती है और वो जूझते हैं एलियंस के साथ ताकि आपके देश की रक्षा हो सके, आपके विश्व की रक्षा हो सके, ब्रह्मांड की रक्षा हो सके। दोस्तों इसी तरीके से आज के कुछ समय में, वो तो काल्पनिक बात थी, लेकिन आज एक हकीकत में एक ऐसी टीम है, एक कुछ ऐसे लोग हैं, एक कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स हैं जो आपके पेट की रक्षा करते हैं, हमारी भूख की रक्षा करते हैं, और उनको कहते हैं हम मैन इन व्हाइट, यानी हमारे जो शेफ हैं। मास्टर शेफ करके कुछ प्रोग्राम अचानक टीवी पे चलता है और अचानक एक चलन चल पड़ती है कि कुक और शेफ बनने की। धीमे धीमे बच्चे भी रूबरू होने लगे कि एक ऐसा भी प्रोफेशन है, यानी अगर हम कलिनरी की तरफ बढ़ते हैं। घर में जो बच्चे देखते हैं एक्चुअली वो कलिनरी जो है वो सिर्फ उनकी माता तक, उनके घर में जो लेडीज होते हैं, उनकी महिलाएं होती हैं, बस उन तक सीमित रहती है। लेकिन बाहरी प्रोफेशनल दुनिया में इसमें कोई सेक्स, जाति पाति किसी चीज का कोई भी बायस नहीं। और ये मैन इन व्हाइट या विमेन इन व्हाइट कंटिन्यूअस सेवा करते हैं और नए नए इजाद करते रहते हैं, ये वो साइंटिस्ट हैं, ताकि आपके मुंह का जो जायका है, जो स्वाद है, उसको हम कैसे खिलखिलाता हुआ रखें। दोस्तों आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे एक ऐसे प्रोफेशनल के साथ जिनका नाम है श्री अतुल शंकर मिश्रा, यानी एग्जीक्यूटिव शेफ है सेंट्रम होटल लखनऊ में। एक आया हुआ नया बहुत ही खूबसूरत एक होटल है जो कि सुशांत कॉल सिटी के पास है, और दोस्तों जिस तरीके से प्रोफेशनल माहौल वहां पे तैयार हुआ है, वहां की जो कलिनरी है उसकी बहुत तारीफ सुनने को मिल रही है। तो आज जानेंगे कि कलिनरी आर्ट से या कलिनरी साइंस से इससे जुड़े हुए करियर के बारे में, और आपको बताएंगे कि क्या कलिनरी आर्ट की जो सेवाएं हैं वो सिर्फ और सिर्फ 5 सितारा होटल तक सीमित है। आइए बात करते हैं अतुल शंकर मिश्रा जी के पास। शेफ अतुल, आपका बहुत बहुत स्वागत है करियर काउच में शुभांकर के इस कार्यक्रम पर और हमारे इस छोटे से स्टूडियो प्राइम टीवी पर। अतुल जी, आप एक एग्जीक्यूटिव शेफ हैं, आपने एक बहुत लंबा सफर तय किया है जहां पे आपने रसोई को जो है उसको प्रोफेशनली सजा कर उसमें एक से एक इजाद आपने किए, लेकिन मैं जानना चाहूंगा ये जो शौक था या प्रोफेशन, ये कहां से शुरुआत हुआ और किस तरीके से, क्या बचपन से आपको ये एक बिल्कुल फोकस है कि नहीं मुझे बड़ा होकर शेफ बनना है, क्या आपको वाकई पता था? क्योंकि भाई नर्सरी केजी में हमें इंजीनियर डॉक्टरी के अलावा कुछ पता ही नहीं होता, तो आप क्या बिल्कुल श्योर थे कि आपको शेफ बनना है, आपको रसोई से जुड़े रहना है? नहीं, मुझे खाने का बड़ा शौक था। किसको नहीं होता। बिल्कुल जी, मैंने कहा खाने का शौक है, अगर वो पूरा होना है तो क्यों ना खाने की खान में कूद जाया जाए। बिल्कुल सही बात। इसीलिए हमने अब जो है देखा होटल मैनेजमेंट, थोड़ा समय थोड़ा सा ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन जो है ये था कि होटल मैनेजमेंट कर लो, थोड़ा सा करियर अच्छा बन जाएगा। फिर हम इंस्टीट्यूट में पहुँचे, हमने देखा, थोड़ा इंक्वायरी करी, पता लगा तो ये हुआ कि हाँ यहाँ करा जा सकता है, तो हमने फिर होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया। उसमें हमने किचन को एज ए प्रोफेशन चूज़ किया, खाने खिलाने दोनों का काम हो जाएगा जी। तो यानी अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट तक आपको ये चीज तय नहीं थी कि आपको बेसिकली कलिनरी में जाना है? नहीं, बिल्कुल। तो ये शौक जो है या ये जो आपका जो इंटरेस्ट जो पैदा हुआ, वो बेसिकली जब आप होटल मैनेजमेंट में आपने इंस्टीट्यूट में आपने ले लिया, स्पेशलाइजेशन की बात आई, तब जाके आपने तब जाके डिसाइड हुआ कि किचन में ही जाएंगे और राइट। लेकिन अतुल जी, कहा जाता है कि होटल लाइन में जो किचन का लाइन होता है वो सबको मिल नहीं पाता, या आपके चाहने से नहीं होता कि कलिनरी आपने चाहा और आपको मिल गया। इनफैक्ट अगर कलिनरी अगर आपने चूज़ किया तो शायद वो मिलना सबसे मुश्किल होता, बाकी डिपार्टमेंट्स तो फिर भी मिल जाती हैं, FNB में कोई जाना चाहे या फ्रंट ऑफिस जाना चाहे, लेकिन कलिनरी क्या इतनी आसानी सॉफ्ट हो जाता है, इतना हम लोग के पास सुविधाएं हैं? कलिनरी बेसिकली प्रोफेशन नहीं, एक पैशन है जी। जी, और इसमें अगर हमें सोच लें कि हमें कलिनरी करनी है, हमारे अंदर पैशन है, तो कुछ ना कुछ करके वो हासिल कर लेते हैं। जी जी, थोड़ा टाइम टेकिंग, मेहनत ज्यादा है जी, व्हाइट कॉलर जॉब बिल्कुल नहीं है, थोड़ा टफ होता है। ओके, और अगर देखा जाए तो जो होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे भी
जो कलिनरी के लैब्स होते हैं वो दोस्तों एक साइंटिफिक प्रयोगशाला से कुछ कम नहीं होती। अलग अलग इंग्रेडिएंट्स के साथ अलग अलग जो है आपकी जो आर्ट होती है, आपके अंदर जो स्किल है, आप उसमें कौन सा विज्ञान निकालेंगे और आपकी जो सोच होती है उसको, विजन को जब आप एक प्लेट पर उतारते हैं तो उसका स्वाद कुछ अलग हो जाता है, जायका कुछ अलग हो जाता है, एक नया नाम का ईजाद हो जाता है। कैसे कैसे नाम निकल के आए अतुल जी, कुछ एक नाम बताएं जो बड़े मज़ेदार नाम किचन से निकल के आते हैं। मैंने एक बार वो सुना था गुलाब जामुन बनाया था, उसको नाम रख दिया था यहाँ पे गुलाब बानो एंड समथिंग लाइक दिस। ये जो आप लोगों के जो दिमाग में जो उपज होती है खाने को एक नया नाम दे के, नए तरीके से जो पेश करने की, तो क्या ये बिल्कुल ये डज इट हैपन बाय द बुक या बाय इनोवेशन? ये इनोवेशन है, ये सारा जो खेल है वो इनोवेशन का है। जैसे अब छोटी सी चीज़ ले लें, हम मसाला पीनट बनाते हैं जी जी, अब मसाला पीनट में क्या डालेंगे, थोड़ा सा चॉप करके अनियन डालेंगे, थोड़ा टोमेटो डालेंगे, चिली डालेंगे, और ये डालने के बाद में हम उसको बोल में डालने के बाद, बोल में डालने का भी तरीका है एक, हम उसको सीधे ऐसे ही डाल दें बोल में बिखर जाएगा जी। ये हुआ थोड़ा उसको सलीके से डाला जाए, फिर उसके ऊपर एक बढ़िया सा नींबू काट के लगाया जाए, थोड़ी धनिया की पत्ती लगाई जाए जी, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट आता है। जैसे कहते हैं खाना खाने में कितना स्वादिष्ट है, अगर वो देखने में अच्छा नहीं लगा जी, तो जी उसको खाने का मन नहीं करता। एग्जैक्टली इसीलिए वो 5-star और 4-star होटल में जो खाने को जो देने का जो तरीका होता है, आधी चीज वही डिसाइड कर देती है कि खाने का स्वाद कैसे होने वाला है, और उसका ही अपना एक जो है जिसको कहते हैं ना कि जो कीमत है वो आंखों से दिखने लग जाती है खाने की। पुरानी कहावत है ना, दिखेगा तो बिकेगा। बिल्कुल सही बात है, दिखेगा तो बिकेगा। अतुल जी मैं वापस आता हूँ करियर को लेकर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे दर्शक हैं, वो कई लाइंस के बारे में, कई प्रोफेशन के बारे में जानकारियाँ हासिल करते रहते हैं। तो जो स्टूडेंट्स आज अचानक, क्योंकि अब भाई हमारे दौर में शेफ़ और इसके बारे में हम लोग को बहुत ज़्यादा पता नहीं होती थी, हम लोग को लगता था कि अच्छा भाई रसोइये होते हैं भाई, जो खानदानी चले आते हैं उन्हीं में से शायद ले लेते होंगे, कुछ इसी तरीके से होता होगा। आइडिया नहीं था कि इसके ऊपर एक पूरा डिपार्टमेंट है, एक स्पेशलिटी है इसके ऊपर। अतुल जी क्या कहेंगे, क्योंकि कई दर्शक ऐसे हैं जो आज भी इसके बारे में पूरा नहीं जानते, क्या लगता है कि उन स्टूडेंट्स को कैसे करके चूज करना चाहिए? हु आर दो स्टूडेंट्स दो शुड एक्चुअली चूज कलिनरी एज देयर प्रोफेशन? इसमें ऐसा होता है कि इसमें होटल मैनेजमेंट के या कलिनरी के काफ़ी सारे कोर्सेज हैं, कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, कुछ लॉन्ग टर्म कोर्सेज हैं। राइट अगर शुरुआत करेंगे तो एक सर्टिफिकेट कोर्स है, उसके बाद डिप्लोमा है, फिर डिग्री कोर्स है, फिर और स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है। राइट ड्यूरेशन बढ़ती जाती है जी। अच्छा हर आदमी फीस भी अफोर्ड नहीं कर सकता, हाँ तो कोर्सेज के हिसाब से फीस भी है जी जी। लेकिन इन सब से हटके एक चीज़ है पैशन। राइट अगर किसी ने सोच लिया कि उसे कुछ आगे करना है जिंदगी में और इसी लाइन में आगे बढ़ना है, तो कोई ना कोई रास्ता निकाल के आदमी बढ़ ही जाता है। अब जिसके पास में ज़्यादा पेइंग कैपेसिटी है वो डिग्री कोर्स करें जी, और जी, जिसके पास पेइंग कैपेसिटी नहीं है वो कोई भी एक स्टार्टअप छोटा सा सर्टिफिकेट कोर्स करके फिर किसी होटल में अप्रोच करें जी। उसको जी, अगर जो है सही जगह मिल जाती है जहाँ से वो शुरुआत कर सकता है जी, तो आगे फिर थोड़ा सा ट्रेनिंग करके अच्छे निरीक्षण में वो सही बात है। यानी ऑप्शंस उसके पास बहुत सारे होते हैं, बात यह है कि कोर्स कहाँ से शुरुआत करनी है। ज़्यादातर घर में जो माताएं होती हैं वही किचन से ज़्यादा जुड़ी होती हैं, तो महिलाएं तो ज़्यादातर किचन से जुड़ी होती हैं और इधर से, लेकिन जो पुरुष वर्ग है ज़्यादातर देखा गया कि प्रोफेशनली जितने होटल्स में जो शेफ़ होते हैं, जो कुक्स होते हैं, वो ज़्यादातर पुरुष होते हैं। इसके पीछे कोई कारण है, कोई साइंस है इसके पीछे? इसमें ये कह सकते हैं क्योंकि देखिए जो किचन के अंदर जब प्रोफेशनल हम किसी कॉमर्शियल उसमें आते हैं, कॉमर्शियल प्लेटफॉर्म पे थोड़ा सा वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा होता है जी। अच्छा दूसरी चीज़ ये कि जब एक महिला होती है तो उसे घर के काम बाहर के काम दोनों करने होते हैं, बैलेंस बना के चलना होता है। बिल्कुल सही। अब चूँकि कॉमर्शियल इंडस्ट्री है, हम लोग इंडस्ट्री में आते हैं तो पुरुष का काम है काम करना, महिलाओं का काम है घर संभालना जी। मतलब ये देखा जाए तो वो जो एक हमारे अंदर एक ट्रेडिशन जो चला आ रहा है, जो सोच चली आ रही है, हालांकि उस सोच में बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी से आ रहा है। इसीलिए अभी क्या है कि जब शुरुआत हमने करी थी तो उसमें जो है जेंट्स का प्रोपोर्शन था वो ज़्यादा था जी। अभी धीरे धीरे करके काफ़ी सारी महिलाएं भी आने लगी हैं, इंडस्ट्री ज्वाइन करने लगी हैं, किचन में भी ज्वाइन करने लगी हैं। सही बात है। लेकिन ये थोड़ा सा एक ऐसा प्रश्न है जिसका थोड़ा जवाब देना मुश्किल है। अच्छा चलिए
शायद ये होता गया, जिस तरीके से अतुल जी ने कहा कि इस प्रोफेशन में एक्चुअली तो देखा जाए तो महिला पुरुष कुछ नहीं है, घर में जो महिलाएं होती हैं वही सबसे बड़ी शेफ होती हैं, और उनको अगर प्रोफेशनली अगर सामने लाने को कहा जाए, क्या हम भूल सकते हैं, आज भी हम लोग नानी के नुस्खे और दादी के जो पकवान होते थे हाथ के, उन स्वाद को हम याद करते हैं, और उन्हीं स्वाद के चारों ओर कई रिसर्च वर्क होनी शुरू हुई। हमारे टीवी पे ऐसे कई कार्यक्रम चलते हैं दोस्तों, जो कि रसोई के ऊपर एक्चुअली एक इन्वेस्टिगेटिव स्टडी करते हैं। कई नवाबों के यहाँ कई प्रकार के प्लेटर्स होते थे, जैसे कि अगर हम नॉर्थ में चले जाए, कश्मीर में चले जाए, तो वाजवा की बात होती थी। अतुल जी गलत तो नहीं कह रहा हूं, वाजवा अपने आप में एक बहुत ही महंगा प्लेटर होता था। तो ये जो स्पेशलिटी डिशेस होती थी, ये जो प्लेटर्स होती थी, इसकी अपनी कहानी होती थी, इससे जुड़े हुए एक इतिहास होता था। आज उन हेरिटेज फूड्स को फिर से प्रिजर्व करने के लिए एक मुहिम चल पड़ा है, अचानक उसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। थोड़ा सा बताएं अतुल जी, ये जो हेरिटेज फूड था, हेरिटेज फूड को लेकर जो बात चल रही है, कोशिश चल रही है कि उसको बचाया जाए, उस दौर में एक्चुअली कुछ क्या काम हो रहा है, इसके ऊपर क्या रिसर्च हो रहा है? अभी चूंकि हम अवध में बैठे हैं तो अवधि कुजीन की बात कर लेते हैं। जी जी सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जैसे अवधि कुजीन है, लखनऊ में जो है ये सीमित होकर रह गई थी। जी, जी। लेकिन अगर काफी सारे लखनऊ के जो खानसामे थे, लखनऊ के पुराने कुक्स वगैरह थे, हाँ। अब जगह जगह बिल्कुल जा करके अलग अलग तरह के फेस्टिवल करते हैं, अवधि फेस्टिवल करते जी, हैं। जी जी आज भी होती हैं, आज भी होती जी, हैं जी, तो मतलब जितना अवधि खाने को लोग अवध यानी लखनऊ में पसंद करते हैं, उससे ज्यादा विदेशों में पसंद करते हैं। और सर अच्छा सर, वो निहारी और शीरमाल और कुलचा पसंदा, जो यहाँ का जो अच्छा हर जगह पसंदे का टेस्ट अलग होता चला जाता है, नहारी का रूप बदलता चला जाता है। आप नहारी यहाँ लीजिए, वही नहारी आप दुबई में जाके खाइए तो नहारी का स्वाद बदल जाता है, थोड़ा सा हैदराबाद में स्वाद बदल जाता है। तो सर ये जो रहा, ये किस तरीके से, ये जो स्वाद का जो एक जर्नी होती है एक जगह से शुरू होकर दूसरी जगह तक, ये कैसे करके फैलती है? कहते हैं ना पानी का बड़ा असर पड़ता है जी। अब लखनऊ के पानी में जो खाना बनेगा उसका अलग है, बिल्कुल सही बात। उसी तरीके से राजस्थान का पानी है, उस तरह हैदराबाद का पानी है, तो पानी का बहुत फर्क पड़ता है स्वाद में। अच्छा। अभी जैसे अगर आप बीकानेरी भुजिया को बीकानेरी भुजिया इसीलिए कहते हैं कि वहाँ बीकानेर का पानी पड़ता है तभी वो स्वाद आता है। ओ हाँ, बिल्कुल वही भुजिया अगर हम लखनऊ बनाने की सोचेंगे, सारी चीजें वही होंगी जी, लेकिन वो पानी का स्वाद नहीं मिलता है तो वो चीज नहीं हो पाती है। सही बात है, सही बात है। अतुल जी कुछ छोटी छोटी बातें इससे और जुड़े कि अगर जो बच्चे हैं, मैंने ये बात इसलिए एक्चुअली पूछी कि जो बच्चे होटल मैनेजमेंट में सेलेक्ट नहीं हो पाए, या उनको कलिनरी का जो फील्ड है उस डिपार्टमेंट में उनको एडमिशन नहीं मिल पाता है, क्या उसके बावजूद वो कुछ ऐसे कोर्सेज कर सकते हैं जिससे वो इस मुहिम से जुड़ सकें, जहाँ पर वो जो खाने का इतिहास होता है और वो जो जो हमारे जो पौराणिक खाने जो चले आ रहे हैं उन रेसिपीज के ऊपर वो काम कर सके, उस पर स्पेशलाइजेशन कर सके, वहाँ से वो कुछ नया स्टार्टअप या कुछ नया काम स्टार्ट कर सके? ये भी एक अच्छा आइडिया है। इसके लिए जैसे अपना कोई छोटा सा कोई बिजनेस कर लें, कोई अपना छोटा सा एक फूड कोर्ट टाइप का खोल लें, अपना रेस्टोरेंट वगैरह खोल के अपना जो उनकी स्पेशलिटी हो, जो जिसमें वो मास्टर हो। लेकिन सीखेंगे कहाँ से अतुल जी? बात ये है, उनको ट्रेनिंग कहाँ से मिलेगी? जैसे समय समय पर भारत सरकार कुछ ना कुछ योजनाएं निकालती रहती, जैसे अभी एक बीच में योजना थी हुनर से रोजगार जी, जी। ये एक लगभग 90 दिन की अवधि का एक कोर्स हुआ करता था जी। उसमें जो नॉन होटेलियर्स हैं या जिनके पास कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं है जी। तो जाके अपना होटल्स में जाके जो है 90 दिन का एक कोर्स कर सकते हैं, 90 डेज का। ओके। उसके बाद में गवर्नमेंट उनको एक सर्टिफिकेशन देती थी ओके। कि आपने ऐसे ऐसे हुनर से रोजगार के दौरान आपने ये चीज करी है ओके। उसके बाद फिर उसके बेसिस पे होटल्स में उनको जॉब ट्रेनिंग के लिए ऑप्शन मिल जाते हैं। अच्छा। वहाँ जाके फिर 9 महीने साल भर की जो भी जॉब ट्रेनिंग की ड्यूरेशन हो जी, उसके बेसिस पे वहाँ जाके वो काम सीख सकते। तो ये इसका केंद्र कहाँ होता था, इसका कोई सेंटर्स कहाँ पे बनते हैं, किस जगह से ये बच्चे जो जाके, ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ होटल मैनेजमेंट पूसा है जी, पूसा के जो भी इंस्टीट्यूट थे उनके जरिए चीजें होती थी। अच्छा, यानी जो लखनऊ पूसा तो लखनऊ बेस्ड हो गया, जहाँ से आपका इधर से जो चलता है जो अपना आईएचएम लखनऊ वो पूसा इंस्टीट्यूट की ब्रांच है जी जी जी। करीबन पूरे भारतवर्ष में 17-18 इंस्टीट्यूट हैं जी, मैं भी हो सकता है अभी और ज्यादा खुल गए हो जी, ये वो प्रोग्राम कराते हैं। अच्छा,
अतुल जी, मैं जानना चाहूँगा, आप सेंट्रम में ये पूरा डिपार्टमेंट आप वहाँ पे देख रहे हैं, आप संभाल रहे हैं, आप क्या कहेंगे अगर आपके पास कोई एक छात्र अपना इंटरेस्ट शो करता है कि नहीं मुझे कलिनरी में मुझे कुछ स्पेशलाइजेशन कोर्स करना है, मैं इस क्षेत्र में जाना चाहता हूँ, क्या ये पॉसिबल है कि एक होटल अपने आप को इंस्टीट्यूट की तरह देखकर उन छात्रों को मदद कर सके, उनको कलिनरी का थोड़ा सा वो रास्ता दिखा सके, प्रोफेशनली उनको कुछ कोर्सेज कहें या शॉर्ट टर्म कुछ क्रैश कोर्सेज कराएं, जिससे उनके एक तो इंटरेस्ट को थोड़ा सा तवज्जो मिले, उसमें थोड़ा सा उनको पुश मिले और वो उसको आगे चल के उसको डेवलप कर सके, एंड टाइम टू टाइम चाहे ऑनलाइन बेसिस पर हो चाहे वो फिजिकली वहाँ पे हो, इस पर हम लोग कुछ ना कुछ कोर्सेज चलाते रहे। इज इट पॉसिबल टू डू इट अलॉन्ग विद सम प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, होटल्स, फाइव स्टार होटल्स और फोर स्टार होटल्स और एनी सच थिंग? पुरानी कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है जी। अगर ऐसा कोई हमारे पास कोई अप्रोच करता है जी, तो डेफिनेटली उसके लिए हम कुछ ना कुछ रास्ता निकालेंगे और उसे ज़रूर मौका देंगे कि हमारे होटल में आके कुछ नया सीख के जाए, right. ना करियर बना सके। तो जैसे फूड फेस्टिवल्स होती हैं, तो क्या एज अ सेंट्रम, सेंट्रम क्योंकि बहुत ही नया है अभी आपका उधर से और एक स्पेशलिस्ट विंग बन रहा है, मेरे ख्याल से वहाँ पे इंडियन डिशेज के ऊपर काफ़ी आप लोग नया नया एक्सपेरिमेंट्स करके सामने ला रहे हैं, तो उसमें आप लोग कैसे अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं जो न्यू एस्पिरेंट्स हैं उनको? देखिए, हमारा जो समय वहाँ पर अभी जो चल रहा है कार्यक्रम, उसमें उसके दौरान हम मल्टी कुजीन सर्व करते हैं। अच्छा जी। और उसमें इंडियन भी है हमारे पास, मतलब अलग अलग कुजीन्स के हैं, थीम बुफे भी डालते हैं हम कुछ जी जी जी, बाकी जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम बुफे लगाते हैं। राइट राइट राइट। तो अतुल जी, आप क्या कहेंगे इस समय जो आपने जो रिसर्च किया, आप इतने सालों से जो जुड़े रहे हैं, तो वो कौन सी क्विजीन है जिसका चलन इस समय आप भारत में ज़्यादा देख रहे हैं, जिसकी जो डिमांड है वो ज़्यादा है? आप एक छात्र को कैसे गाइड करेंगे जो अभी हाई स्कूल या इंटरमीडिएट कर रहा है, वो अपना इस इंटरेस्ट को बनाए रखने के लिए कौन से प्रयोग करते रहें, किस प्रकार से वो छोटे छोटे ट्राइज करें, वो छोटे छोटे रेसिपीज कौन से होंगे जिसके ऊपर वो थोड़े प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पर, ऐसी कौन सी छोटी कुछ लेसन अगर आप उनको देना चाहें? खाने का तो ये सिस्टम होता है कि आप कुछ भी बनाएं अच्छा बनना चाहिए, स्वादिष्ट होना चाहिए, और जो भी बनाएं उसमें कोई बहुत ज़्यादा मिलावट ना हो। ऐसा नहीं करना है कि 10-12 चीज़ें एक साथ मिला के हम कुछ बना रहे हैं। आप जो भी बना रहे हैं, अगर आप जो है बेसिक सी चीज़ें, अगर आप भिंडी की सब्ज़ी भी बना रहे हैं तो भिंडी की सब्ज़ी भिंडी की तरह ही दिखनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम ऐसा कुछ बना दें कि उसमें भिंडी ही गुम हो जाए। तो जो भी चीज़ बना रहे हैं उसको ऑथेंटिक बनाएं, और बाकी इंडियन खाना एवरग्रीन खाना है और सब जगह चलता है, तो हमें उसी कुजीन पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो अगर कोई घर पे अगर कोई प्रयोग होते हैं, वहाँ पे कौन से कैसे रेसिपीज़ को बच्चों को शुरुआती जो ट्राइज होती हैं, एक छोटा बच्चा है अभी हाई स्कूल के पहले, वो थोड़ा बहुत होता है ना, बहुत आजकल बच्चों को बड़ा शौक़ है, मैं कई बच्चों को जाता हूँ जो 5-6 क्लास में, लेकिन बनाने का बहुत शौक़ है, कुकिंग का बहुत शौक़ है, तो ऐसे बच्चे कैसे ट्राइज कर सकते हैं, उनको माता पिता जहाँ पे सेफ भी फील करें कि स्टोव के पास जा रहे हैं, गैस के पास, आग के पास जाते हैं या कुछ, ये कैसी चीज़ें उनके थ्रू से ताकि उनका इंटरेस्ट डेवलप किया जा सके? हम कोल्ड फूड से शुरू कर सकते हैं, जैसे कुछ सैलड्स हो गए जी, फ्रूट सैलड्स हो गए जी, बाकी फास्ट फूड में बर्गर, सैंडविचेस जी, काफ़ी सारे ऑप्शन हैं जी। अच्छा, इसके रेसिपीज क्या कहीं पे कुछ आसान तरीके से कुछ मिल पाती हैं जहाँ पे इसको जो ट्राई करने के लिए, ऐसे कुछ रेसिपीज? तो आजकल मार्केट में बहुत सारी रेसिपीज बुक हैं, आजकल everybody is creating his own books for recipes. अतुल जी, ये तो बात हुई छोटी छोटी जो घर में जो प्रयोग और बच्चे जहाँ पे अपने आप से जो कुछ ट्राइज कर सकते हैं उसकी, लेकिन कुछ टेक्निकल सवाल पर आते हैं। ये जो होटल का जो किचन होता है, ये जो कलिनरी का जो डिपार्टमेंट होता है, उसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, वो कैसे बनता है, और किस तरीके से आप लोग इसको डिज़ाइन करते हैं कि एक प्रॉपर फूड टाइमली परोसा जा सके? इंटरनेशनल फूड, इंटरनेशनल कुजीन, इंडियन कुजीन सब एक साथ होती है, ये कैसे हो पाती है? जैसे हमारे होटल में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, F&B सर्विस, F&B प्रोडक्शन, तो किचन डिपार्टमेंट कलनरी को हम F&B प्रोडक्शन बोलते हैं जी, जी। और इसमें जैसे मैं हूँ, मैं एग्जीक्यूटिव शेफ हूँ, मैं उस डिपार्टमेंट का हेड हूँ
राइट। अब मेरे नीचे अलग अलग कुजीन के शेफ्स होते हैं जी, जैसे एक मेरे जो मेरे ठीक नीचे होगा एक इंडियन का मास्टर शेफ है, एक वेस्टर्न कुजीन का मास्टर शेफ है जी, एक उसी में एशियन कुजीन का शेफ है, उसी तरीके से अलग अलग सारे हेड्स होते हैं जी। अभी उनके नीचे फिर जो है और हायरकी होती है हमारे यहाँ पे, मतलब जो हायरकी होती है जो सबसे बेसिक लेवल है वो कौमी थ्री है। राइट, कौमी थ्री। कौमी थ्री ओके, वो मतलब वहाँ से स्टार्टिंग है किचन की। उसके ऊपर फिर कौमी टू, फिर कौमी वन, राइट, फिर उसके बाद डेमी शेफ, राइट, फिर उसके बाद शेफ दी पार्टी, राइट, फिर शू शेफ, राइट, फिर एग्जीक्यूटिव शू शेफ, राइट, फिर मैं यानी एग्जीक्यूटिव शेफ ओके। और सबकी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं जी। तो जैसे जो रेंज पे खाना बनाने का काम करते हैं वो मेरे सी डी पीज करते हैं, डेमी शेफ्स करते हैं, कौमी वन करते हैं जी। अब बाकी जो बचे कौमी टू और कौमी थ्री, ये सारे के सारे हमारा मीज़ा करते हैं। मीज़ा बोले तो सारी तैयारी करते हैं। ओके ओके, मीज़ा। हाँ, अभी जैसे अगर हमको कोई एक फॉर एग्जांपल पनीर मखनी बनाना है जी, तो उस पनीर मखनी को बनाने के लिए ग्रेवी बनानी होती है जी। तो ग्रेवी बनाने के लिए हमको टमाटर का प्रोसेस करना है। सही बात। वो सारा काम हमारा जूनियर स्टाफ करता है। राइट राइट ओके। फिर धीरे धीरे करके वो ट्रेंड होते जाते हैं जी। फिर जैसे ही उनको देखते हैं वो नेक्स्ट लेवल के लिए तैयार हो गए हैं, तो उनको हम प्रमोट करके फिर आगे लेवल पे दे जी। सर, ये जो इंटरनेशनली जो इंटरनेशनल क्विजींस होते हैं उसको ऑथेंटिक रूप कैसे आप लोग देते हैं? मतलब जापान का क्विजीन कुछ और होता है, इटली का क्विजीन कुछ और है, और ये काफ़ी कुछ डिपेंड करता है वहाँ पे जो इंग्रेडिएंट्स आसानी से मिल पाती हैं। तो वो सारे इंग्रेडिएंट हम यहाँ प्रोक्योर कराते हैं। अच्छा। अगर हमको कोई भी चीज़ बनानी है, हम चाहे जापनीज बनाएं चाहे मंगोलियन बनाएं जी, तो जो उसके ऑथेंटिक सॉस होते हैं, जो उनके ऑथेंटिक वेजिटेबल्स हैं, हम वो सारी चीज़ें इंपोर्ट करते हैं। राइट राइट। जब तक हमको जो है प्रॉपर जो है सही इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा, हम कभी भी प्रॉपर सही टेस्ट नहीं दे सकते। सही बात है, सही बात है। तो अतुल जी, अगर कोई बंदा अगर एक ऑथेंटिक फूड मार्ट खोलना चाहे, राइट, रेस्टोरेंट मतलब विथ मल्टीपल क्विजींस, उसको आप क्या सलाह देंगे? किस तरीके से उसको अपना किचन मैनेज करना चाहिए? कैसे करके किचन को प्लान करके सामने लाना चाहिए ताकि उसका बिजनेस बहुत अच्छा खड़ा हो सके? इसके लिए तो किचन कंसल्टेंट हैं जो आपको किचन डिज़ाइन करके बताएंगे। आप उनको, आपको अपनी रिक्वायरमेंट उनको बतानी पड़ेगी कि आप ये कुजीन का खाना वहाँ पर देना चाहते हैं जी। जब आपका किचन डिज़ाइन हो जाएगा, सब कुछ उस हिसाब से सेट हो जाएगा, फिर आपको अपना स्टाफ हायर करना पड़ेगा। राइट। स्टाफ हायरिंग में बहुत ध्यान देना पड़ता है कि हमको मल्टीटास्किंग चाहिए। मल्टीटास्किंग में फिर क्या होता है कि हमारा जो है मैन पावर कम लगती है। अगर मल्टीटास्किंग वाले शेफ नहीं हायर करेंगे हम, तो फिर हमको अलग अलग कुजीन के शेफ्स हायर करने पड़ेंगे, तो नंबर ऑफ हेड्स ज़्यादा हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो अतुल जी, ये जो बेसिक्स होती हैं किचन की बेसिक्स हैं, और ये है, ये तो होटल मैनेजमेंट में तो बहुत अच्छा पढ़ा दिया जा रहा है। कुछ क्या आप हमको कुछ ऐसे कोर्सेज, कुछ क्रैश कोर्सेज बता सकते हैं जो शौकिया तौर पर भी किया जा सकता है? जैसे मैं अगर कुछ सीखना चाहता हूँ कलिनरी, मुझे बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं कहाँ देखूँ, कहाँ से मैं ये सीख सकता हूँ? उसके लिए आप हमें अप्रोच करें, हमारे होटल में हम आपको सही बात है दोस्तों, सेंट्रम आपके पास हाजिर है। तो अगर आपको कुछ अगर रेसिपी के बारे में भी ज्ञान लेना है, तो हमारे शेफ अतुल वहाँ पे आपको हेल्प करने के लिए मौजूद हैं, और ये आपको पूरी तरीके से गाइड कर पाएंगे। दोस्तों, ये जो एपिसोड था बेसिकली इस वजह से था ताकि हम आपको समझा पाएं कि जो रसोई होता है वो सिर्फ ऐसे महिलाओं तक सीमित नहीं रहता। फिर एक प्रश्न आता है, हम अपने प्रोफेशन को बनाने के लिए तो हम खुद से खुद शेफ होने का सपना देखते हैं, हम चाहते हैं बड़े 5 सितारा होटलों में जाएं, वहां पे जाके जो है हम खाना पकाएं, वहां पे हम एक शेफ के रूप में अपने आप को देखना चाहते हैं। तो फिर घर में रसोई में अपने माता का हाथ बटाते हुए, अपनी बीवी का हाथ बताते हुए, अपने बहन का हाथ बताते हुए शर्म क्यों आती है? फिर ये क्यों जो एक डिवीजन आ जाता है जहां पे लगता है कि नहीं, घर पे जो खाना बनाएंगी वो तो महिला होगी, हम जो करेंगे वो तो सिर्फ प्रोफेशनली करेंगे, कहीं बाहर जाके करेंगे। अगर आपका कोई शौक है, अगर आप उस शौक को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो घर से अच्छी जगह कोई नहीं है। आपके पास एक छोटा सा किचन भी अगर है, वहां पे सब्जियां आती हैं, आप उसकी कटिंग के तरीके से आप अगर एक्सपेरिमेंट करते रहें, तो एंड करेंगे आप कुछ ना कुछ एक अच्छा बनाते हो। शेफ अतुल अभी तक यही बता रहे थे कि अगर आप अपने आप को सही डिपार्टमेंट्स में अगर कंसंट्रेट करें, तो आप स्पेशलिटी और स्पेशलाइज्ड फूड की तरफ ध्यान दे सकेंगे। दोस्तों, कलिनरी एक बहुत अच्छा लाइन है, और इसके बारे में अगर आप ज्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आपको पता है आपको क्या करना है। आपको
करियर काउच के दिए हुए नंबर पर और व्हाट्सएप पर या हमारे वेबसाइट पर जाके आप अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। हमारा कोई ना कोई एक्सपर्ट, करियर एक्सपर्ट आपसे जरूर से संपर्क करेगा। तो दोस्तों, आज हम यहीं पे विदा लिखते हैं और आपसे एक और वादा करते हैं कि अगली बार हम फिर कुछ एक नया लेके आएंगे आप तक और आपको बताएंगे कि प्रोफेशन की जो सोच है, जो आपका जो विजन है, वो बहुत वाइड हो सकता है। आप जितना आगे सोचे, जितना ऊंचा सोचे, पॉसिबल हर चीज है, बस आप एक कदम कायदे से बढ़ाएं। तो दोस्तों, आज हम यही विदा लेते हैं। देखते रहिएगा करियर काउच विद शुभांकर एवरी संडे एट 9 PM ओनली ऑन प्राइम TV। बाय बाय।